हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई पास थर्ड ईयर MBBS एंड गॉट इनटू फाइनल ईयर MBBS। आई एम सो एक्साइटेड टू व्हाट ब्रिंग्स द फाइनल ईयर एंड इट्स बीन अ मंथ एंड आई एम कंप्लीटेड विद थ्री पोस्टिंग्स विच आर डर्मेट, ऑर्थो एंड पीडियाट्रिक्स एंड इट वॉज फन अटेंडिंग पीडियाट्रिक्स एंड नाउ आई एम पोस्टेड इन अ गायनेक डिपार्टमेंट फॉर अ मंथ। आई विल बी व्लॉगिंग थ्रू आउट द डे एंड शोइंग यू व्हाट ऑल आई डू इन द होल डे in final year MBBS. So it's 6:30 in the morning and I've done little bit of exercise like and I'm at the college to study for around 2 hours continuously and then I will go for a breakfast. Actually my day started 2 hours back. Is me at 5:15 in the morning. I came out for a little workout. It's like running and doing push-ups. 15 से 20 मिनट करता हूँ लेकिन अच्छा खासा एनर्जी आ जाता है पूरे दिन के लिए. कूल वेदर आउटसाइड एंड द स्पैरोज. इफ यू डू लाइक 15-20 मिनट्स एक्सरसाइज इन द अर्ली मॉर्निंग इट विल गिव यू द इमेंस एनर्जी फॉर गोइंग थ्रू आउट द डे. थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डार्क आ रही होगी क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग है और इतनी सारी लाइट्स तो है नहीं. कुछ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली एंड सम अदर लाइट एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विथ सम राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार विच इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स होल ऑफ द बॉडी. डन विथ टुडेज एक्सरसाइज. एट द हॉस्टल रूम एट 6:30 एंड गेट स्टार्टेड विद द मॉर्निंग लेक्चर्स इन द ओपन कूल मॉर्निंग वेदर. I kick-started my sleepy brain with awesome lectures of surgery. After completing the lecture, I went to the mess to get some energy products for metabolism during the hospital hours. I went somewhat early to the wards, roaming here and there to find the patients with whom I can talk and take history of. So much of chaos due to third year students scheduled for the part-ending exam. अलॉन्गसाइड माई फ्रेंड जॉइंट, उसने वीडियो शूट करने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दी, एल्स इट वॉन्ट बी अप हियर. देन वी वेंट टू द USC रूम एंड मैम शोड अस द USC फाइंडिंग्स लाइक स्पाइन एंड हार्ट रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैनी थिंग्स. मानस આના લીધે બ્લોક શૂટ કરવો પડે છે. બહુ ડિમાન્ડ કરો. યલી એ વાત. બિગ પેન. યસ. ટુડે ઇઝ ગાયનેક વોર્ડ. ધેર ઇઝ નો પેશન્ટ. એક આઈ ગોટ અ કોલ ફ્રોમ પેશન્ટ. એક બોલો ક્યાં છે? હેલો. વી વર ડન એટ ધ હોસ્પિટલ એન્ડ ધેર વર ઓડિશન્સ ઓફ ધ કલ્ચરલ ઇવેન્ટ વિચ વોઝ કમિંગ ઇન અ ફ્યુ ડેઝ. ચલો ફર્સ્ટ પરફોર્મન્સ સ્ટાર્ટ કરીએ. किस मंजिल को पाना है, किस सपने को खोना है. घर की बुनियाद है दीवारें बामो दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखना रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी. लंच करके वापस आया और कॉलेज में हर तरफ यही पोस्टर्स लगाए हुए थे कि कौन कौन सी इवेंट होने वाली है. आई वेंट इन द लाइब्रेरी एट अराउंड 1:30. आई स्टडीड स्ट्रेट
for 2 hours in the library. After that, started feeling so much sleepy that I was fully ready to bring some of the foods into the library. Came back at hostel at around 6 in the evening, and with some of the snacks I did another 1 hour of lecture. So it's 6:30 in the evening and I am almost done with my work. जो भी मैंने टारगेट किया था कि आज मैं कंप्लीट करूँगा वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. थोड़ा बहुत रह गया है क्योंकि दोपहर में जैसे आपने देख लिया क्योंकि वहाँ पर ऑडिशंस था कल्चरल इवेंट जो कि 10 दिन में आने वाला है. सो थोड़ा वो अटेंड कर लिया, फुल मज़े कर लिए. फिलहाल तो मैं सर्जरी कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन से सर्जरी कर रहा था. और चाहे सर क्या पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग सर्जरी लाइक सर्जरी इज़ नथिंग, इट इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट. वो इतना अच्छा पढ़ा रहे इन एवरी क्लास. ही सेज दैट आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम एम्पावरिंग यू टू लर्न सर्जरी. दैट मीन्स कि जितना मैं समझता हूँ कि वो ये कह रहा है कि आपको मैं इतना अच्छा सर्जरी सिखाऊंगा कि आप कुछ भी मतलब क्लिनिकल भी देख सको और थियोरेटिकल भी देख सको. दूसरी बात करो तो वो है हाउ टू वेकअप इन अर्ली मॉर्निंग. क्योंकि क्या होता है, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने ट्राई टेस्टिंग एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके, कि सुबह उठना मैं भी नहीं उठ पाता कभी कभी, लेकिन ऑलमोस्ट इन अ वीक ऑलमोस्ट 6 दिन तो सुबह जल्दी उठता हूँ, अराउंड 5 to 5:30 के बीच में उठ जाता हूँ. तो मैंने ये नोटिस किया कि जो सुबह जल्दी उठने की जो प्रोसेस है उसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका डिटर्मिनेशन. मतलब डिटर्मिनेशन इन द सेंस कि आपको पहले से अगले दिन ही पता होना चाहिए कि मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ या 6 बजे उठ रहा हूँ, तो मुझे 6 बजे उठ के 1 घंटे के अंदर क्या चीज़ें करनी है. अगर वो श्योर है और अगर आपके दिमाग में ये श्योरिटी है कि मैं कल उठूँगा, तो अगर आपका अलार्म 5 बजे का रखा होगा तो आपकी नींद 5 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगी, ये मैं श्योरिटी देता हूँ. क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस दिन भी मैं श्योर नहीं होता हूँ कि चलो ठीक है कर लेंगे कल देख लेंगे, तो उस दिन मैं नहीं उठ पाता. लेकिन अगर जिस दिन भी मैंने किया हो कि ओके आज सुबह उठ के जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे और फिर जल्दी से फ्रेश होकर पढ़ने जाऊँगा, 6 बजे मैं पढ़ने पहुँच जाऊँगा, तो वो मिस नहीं होता है. 6 का 6:15 हो जाएगा, इतना डिफरेंस आता है, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और ऑलमोस्ट रूटीन फॉलो कर सकते हैं. और लास्ट चीज़ एक टिप है टू ऑल माई फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स कि एनाटॉमी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग, इट्स द सब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग. दैट्स इट. ऑन दिस नोट आई कंक्लूड दिस वीडियो. और आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, देन ड्रॉप अ लाइक एंड फॉर श्योर डू कमेंट, इट विल बी वेरी वेरी मच मीनिंगफुल टू मी एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट. For the further new videos, stay tuned by subscribe to the channel and press the bell icon to all so that you never miss an update whenever I post a new video. And also check out my previous videos. Consider checking out other social media handles. Thank you for watching this video. We'll be back with some of the interesting videos of the cultural event which are going to happen in our college. So stay tuned for the new videos. Till then, bye.